पचास बाय नब्बे की डायमेंशन पे बना हुआ एक कनाल का ये घर व्यूअर्स जो आज आप अपनी स्क्रीन पे देखने वाले हैं ये एक कनाल का फुल फर्निश्ड घर है जो कि डी एच ए लाहौर में आ चुका है मेरे पास सेल के लिए और जिस प्राइस पे ये घर मैं आपको ऑफर करने वाला हूँ इस प्राइस पे तो आपको नॉन फर्निश्ड घर भी नहीं मिलता है और ये घर मैं आपको फर्निश्ड ऑफर कर रहा हूँ इस घर की डिमांड है दस करोड़ पचास लाख रुपए फाइव बेडरूम हाउस है फुल फर्निश्ड हाउस है मॉडर्न थीम पे इस घर को डिज़ाइन किया गया है सो मेक श्योर इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस घर की सारी डिटेल्स आप जान सकें और एक चीज मैं आपको बता दूँ ये घर डी एच फेस लाहौर की बेस्ट लोकेशन पर लोकेटेड है जहाँ से मैकडोनल्ड वाटर और मैकडोनल्ड और उसी के साथ पेट्रोल पंप और कारफोर जो कि यहाँ पे सुपरमार्केट है अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुई है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल है फाइव बेडरूम के अकोमोडेशन दो सर्वन क्वार्टर इसके बेसमेंट में और दस करोड़ पचास लाख रुपए इस घर की डिमांड है आप इसका फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं व्यूअर्स चारकोल ग्रे और डार्क स्टोन में इसको ओवरऑल डिजाइन किया गया है मेटल के लुअर्स ऑब्वियसली इसकी खूबसूरती को और ज्यादा एक्जैजरेट कर रहे हैं और यहाँ से अगर आप देखें तो ये है इसका कार रैम जहां पे टाइल्स की फ्लोरिंग है और ये है इसका कार कारपोर्ट जो कि बहुत ही जबरदस्त है और यहाँ पे आप बड़ी गाड़ियां बहुत इजीली पार्क कर सकते हैं कार पोर्ट्स की स्पेस आपके पास काफी ज्यादा अवेलेबल है बिल्कुल सामने आप देखेंगे टाइल्स लगी हुई हैं फ्रंट एलिवेशन पे भी टाइल्स काफी ज्यादा यूज की हुई हैं पूरे घर में कैले और एस की टाइल्स यूज की हुई हैं अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं तो लेफ्ट साइड पर यह है इसकी फीचर वॉल जहाँ पे सिंथेटिक ग्रास और ट्रेवेटिन स्टोन का यूज किया हुआ है बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे पैटर्न आप देखते हैं इसकी सीलिंग पे और ये ऊपर देख लें सी ओ बी लाइट्स को यूज़ किया हुआ है यहाँ से राइट साइड पे मैं आपको दिखाता हूँ व्यूअर्स ये है इसका इनर लॉन एरिया जहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा पैच है जो कि प्रैक्टिकल है और ये बड़ी खसूस चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ बल्कि खास चीज़ है कि आपके पास फ्लोरिंग काफ़ी ज़्यादा है यानी कार पार्किंग की स्पेस आपके पास ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है व्यूअर्स ये इसका मेन एंट्रेंस का सीन है और एंट्रेंस पर अगर आप देखें तो इसके सीलिंग पे भी वुड का यूज किया हुआ है पूरे घर में आप देखेंगे फूड का यूज बहुत ही खूबसूरती से और टॉप नोच किस्म की फिनिशिंग उसमें नजर आएगी आपको और ये जो इसकी मेन एंट्रेंस है फ्लोरिंग पे मार्बल है जिसमें इम्बोज किया गया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से ब्रास को व्यूअर्स यहाँ से मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और ये जो इसकी डोर की हाइट है इसकी दस फीट रखी गई है आप जैसे घर में एंटर होते हैं आपके पास इसका रिसेप्शन एरिया आ जाता है और ये ही बहुत खूबसूरत इसका सीन है जो कि सेंटर में शैंडिलियर हैंग कर रहा है बहुत ही ट्रेंडी शैंडिलियर है और बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं ये जो आप शैंडिलियर अपने सामने देख रहे हैं ये इसका लॉबी का एरिया है यहाँ से मैं आपको इसका फर्दर प्लान एक्सप्लोर करता हूँ व्यूअर्स इधर से आप सीन देखेंगे तो घर में एंटर होकर वेरी राइट पर ड्राइंग रूम की स्पेस है थोड़ा सा आगे आते हैं तो डाइनिंग की स्पेस है ड्राइंग रूम का जो डोर है वो आगे आ जाता है और डाइनिंग का जो रूम है वो थोड़ा सा पीछे चला जाता है लेकिन ओवरऑल आपके पास स्पेस की डिवीजन काफी जबरदस्त मिलती है ये उन लोगों के लिए बहुत जबरदस्त ड्राइंग रूम है जो लोग कहते हैं कि हमें एक कनाल के घर में काफी बड़े साइज का ड्राइंग रूम चाहिए और ये नॉर्मल ड्राइंग रूम के साइज से बड़ा है जो कि आप एक नाल के घर में देखते होंगे सीलिंग का डिजाइन अगर आप देखें रोपलाइट का खूबसूरती से यूज किया हुआ है शेंडिलर हैंग कर रहा है और ये जितना भी फर्नीचर आप देख रहे हैं सारा ब्रांडेड है कस्टम मेड सेंटर टेबल है जिसमें मिरर का यूज किया हुआ है और यहां से ये व्यू देखें ड्राइंग में आपके पास काफी ज्यादा स्पेस है यानी थ्री सीटर यहाँ पे तीन यहाँ पे थ्री सीटर लगे हुए हैं नौ लोग और सामने दस ग्यारह ग्यारह लोग बहुत ही ईजिली सिट कर सकते हैं इस जगह पे मोल्डिंग का काम भी खूबसूरत है और यह कर्टन्स भी मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा करीब से दिखाता हूँ आप फैब्रिक का जो क्वालिटी वर्क है वो भी देख लें व्यूज ड्राइंग रूम के बिल्कुल साथ इसके डाइनिंग एरिया को रखा हुआ है और ड्राइंग रूम के साथ डाइनिंग की जो स्पेस है वो कुछ इस किस्म का आपको व्यू प्रोवाइड करती है और बहुत ही खूबसूरत किस्म का कलर आपको यहाँ देखने को नजर आता है और मुझे ऑनेस्टली भी इस कलर का नाम नहीं माइंड में आ रहा है लेकिन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जबरदस्त किस्म का कलर है शैंडीलियर देखेंगे वो भी बहुत ही परफेक्ट है घर बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है ओवर एग्जेचुरेशन आपको कहीं पर नजर नहीं आती है बहुत ही खूबसूरती से इसका सीलिंग डिजाइन पर भी देखेंगे तो ग्लास को लगाया हुआ है जो कि ब्लैक ग्लास है ड्राइंग की सेपरेट एंट्रेंस है और डाइनिंग की सेपरेट एंट्रेंस आपके पास मौजूद है इस डाइनिंग एरिया से आप अपने किचन को भी एक्सेस कर सकते हैं ये सामने डोर आप देख लें ये मैं आगे से जाके किचन से आपको दिखाता हूँ जब आप अपने डाइनिंग एरिया से बाहर आएंगे व्यूअर्स तो इस घर का व्यू आपको कुछ इस तरह का नजर आता है थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं और यह है जी इसका पाउडर रूम ये चेक करें यह पाउडर रूम है सामने एलईडी मिरर है और यह आप देख लें यहां से ये चेक करें हैंगिंग का मोड है पूरे घर में ग्रोही कंपनी के वॉशरूम एक्सेरीज का यूज किया हुआ है और इधर से भी मैं आपको इसका व्यू दिखा रहा हूं व्यवर्स आगे चलते हैं मैं इसका टी वी लॉन्च दिखाता हूँ टी वी लाउंच की भी खास बात यह है कि वो काफी ज्यादा स्पेशियस है और ये जो सेंटर टेबल यहाँ पे रखी हुई है इसके रिसेप्शन एरिया में ये भी काफ़ी खूबसूरत है और ये जिसमें आर्टिस्टिक किस्म का काम किया हुआ है ये क्रीप से आप देखें तो आपको आइडिया होता है और सेम एज इट इज क्राफ्टिंग की हुई है इसके बाहर की साइड पर भी व्यूर्स ये है इसका टी वी लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर नोट करेंगे इसका जो लॉबी का एरिया है यहाँ पे जो टाइल्स हैं वो डिफरेंट हैं और तीन बाई छः का साइज़ यहाँ लगा हुआ है लेकिन जब आप इसके टीवी लाउंज में जाते हैं तो इसके टाइल का टेक्सचर चेंज हो जाता है जो कि है वाइट करारा टाइल्स और ऑनेस्टली बहुत खूबसूरत कलर स्कीम यूज़ की हुई है इस टी वी का जो एम्बियंस है वो बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम किया हुआ है और इंटीरियर डिज़ाइनर ने वाकई ही एक अच्छा काम किया है ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत ही प्रैक्टिकल स्पेस है टी वी की स्पेस काफी ज्यादा है सोफा यहाँ पे रखा हुआ है सेंटर टेबल है जो कि कस्टम मेड है और नीचे अगर आप रग पे देखेंगे तो वो भी बहुत ही खूबसूरत ग्रे कलर का है यहाँ पे ब्लैक कलर का सोफा है यहाँ पे ग्रीनिश सी टोन है और बॉर्डर पे आप देखेंगे जिस तरह ब्रास का कलर होता है गोल्ड सा उस तरह का कलर है आगे आपके पास दो चेयर्स हैं और उसके साथ एक यहाँ पे बड़ी चेयर भी मौजूद है सेंटर में कॉफ़ी टेबल भी मौजूद है लेफ्ट साइड पे बुक मैच टाइल्स को लगाया हुआ है और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ व्यूअर्स तो यहाँ फायर किट बनाई हुई है बुक मैच टाइल्स हैं और ये बिल्कुल सामने इसकी मीडिया बॉल है जहा पे अगेन चारकोल ग्रे की टाइल्स हैं और राइट साइड पे भी सुपर ग्लोसिड टाइल्स को लगाया हुआ है और उसके बिल्कुल राइट साइड पे पैनलिंग का काम किया हुआ है ये देखें व्यूअर्स ओवरऑल काफी ज्यादा स्पेशियस दो इसके जो प्लस पॉइंट हैं इस घर के उनमें से सबसे पहला मैंने आपको बताया जो कि इसका ड्राइंग रूम है काफी स्पेशियस है और सेम एज इट इज इसका ये टीवी लाउंज भी है जो कि अगेन काफी ज्यादा स्पेशियस है काफी ज्यादा स्पेस को यूटिलाइज किया गया है और काफी लोग कहते हैं कि हमें ड्राइंग रूम काफी बड़े साइज का चाहिए और ड्राइंग रूम अगर नहीं हो तो उसके साथ टीवी लाउज लेकिन इस घर में ये दोनों ही बड़े साइज के हैं और इधर से आगे जाएंगे तो पार्टीशन है जिसमें स्लाइडिंग डोर लगी हुई है और स्लाइडिंग डोर को आप साइड पे करते हैं तो भाई ये है जी इसका किचन का व्यू कलर कॉम्बिनेशन बड़ा ट्रेंडी कलर कॉम्बिनेशन है जिसमें आप देखेंगे डार्क ब्लैक को ब्राउन के साथ और यहाँ पे जब आप देखते हैं इसके काउंटर टॉप्स पे इधर आपके पास मौजूद है जी ग्रेनाइट वाइट कलर का ग्रेनाइट है सामने वॉश बेसन है सेंटर में काउंटर टॉप बड़ा खूबसूरत और ये इसकी देख लें सेंटर लाइट और ये है जी सामने फाइव स्टोव बर्नर ऊपर किचन हुड है इलेक्ट्रिक और माइक्रोवेव ओवन भी बिल्कुल इसी के साथ लगाए हुए हैं इधर से आगे जाएंगे तो ये है इसका सर्विस किचन जो कि काफी स्पेशियस है काफी घरों में एक कनाल में इतने बड़े साइज का किचन आपको नहीं देखने को मिलता है किसी किसी घर में इतने बड़े साइज का किचन आपको नजर आता है और ये उन घरों में से एक है जिसका जो सर्विस किचन है वो भी काफी ज्यादा स्पेशियस है सामने वाले डोर से आप इसके किचन में एंटर करेंगे और ये है जी इसके सर्विस किचन से मेन किचन की एक्सेस का रास्ता ये जो सामने आप डोर देख रहे हैं व्यूअर्स ये वही एंट्रेंस है जो कि मैंने आपको इसके डाइनिंग एरिया से दिखाई थी और इधर से बहुत ही खूबसूरत व्यू आप एक्सपीरियंस करते हैं इस घर के टीवी लाउंज का व्यूअर्स आगे चलते हैं जब आप इसके बेडरूम्स की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ स्पेस आपके पास है जहां पे खूबसूरत कंसोल कस्टम मेड है नीचे कंप्लीटली ब्रास का काम है ऊपर बहुत ही खूबसूरत किस्म का इसका मिरर और इसका फ्रेम वर्क बहुत खूबसूरत किया हुआ है और यहाँ पे अगर आप देखें तो टेक्सचर वॉल है और ऊपर नोवा नोवा पेंट किया हुआ है बहुत ही खूबसूरत सीन है इसका ओवरऑल सामने वाली वॉल पे पैनलिंग के साथ ग्लास को बहुत ही खूबसूरती से यूटिलाइज किया हुआ है लेफ्ट साइड पे इसका स्टैंडर्ड साइज बेडरूम है और राइट साइड पे इसका मास्टर बेडरूम है मास्टर बेडरूम है तो सबसे पहले मैं आपको यही दिखाता हूं ये कलर स्कीम लाइट कलर में प्ले किया गया इस बेडरूम में लेकिन स्कीम बहुत जबरदस्त रखी हुई है अक्सर अगर आप किसी फाइव स्टार होटल में रेस्टोरेंट में अगर आप गए हो तो वहां के जो स्वीट्स होते हैं तो उनमें नॉर्मली आपको इस तरह का सीन देखने को मिलता है इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा यूज करते हैं और यहाँ पे भी आपको एक रॉयल किस्म का फील आता है नीचे मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहूंगा यहाँ पे फ्लोरिंग की गई है वुडन टेक्सचर टाइल्स की ये वुडन फ्लोरिंग नहीं है और प्रॉपर जो टाइल है वो भी नहीं है ये वुडन टेक्सचर टाइल्स हैं इनका साइज आप देख लें ये होता है और काफी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है बेड वॉल में नोवा पेंट है ग्लास वर्क है और पैनलिंग का काम है और काफी खूबसूरत काफी बड़े साइज का बेड यहाँ पे प्लेस किया गया है दो चेयर भी आपके पास हैं इस बेडरूम में लेफ्ट साइड पर इसकी मीडिया वॉल है और काफी स्पेशियस इसका अटैच वॉशरूम वॉशरूम में जब आप एंटर होंगे राइट साइड पे वैनिटी है और ऊपर एलईडी मिरर है और व्यूअर्स ये है जी इसका हैंगिंग कमोड अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं कि अभी पूरे घर में ये जिस तरह सामने आप देख रहे हैं इधर अभी जकूजी लगना बाकी है सेम एज इट इज ऊपर का वॉशरूम भी आपको दिखाऊंगा उसमें भी ये घर में आपको जकूजी भी लगी हुई मिलेगी और अभी यहाँ पे एसीज भी इंस्टॉल होने हैं एसीज सब कुछ मतलब आपने सिर्फ अपने कपड़े उठाने और इस घर में शिफ्ट है और किसी किस्म का काम इसमें आपको करने की जरूरत नहीं है अगेन रिपीट कर रहा हूं उस प्राइस पर मैं ये घर आपको ऑफर कर रहा हूं जिस प्राइस पे आपको नॉन फर्निश्ड घर भी नहीं मिलते हैं। और एक और चीज भी ऑन टेबल नेगोशिएशन हो सकती है ये इसका सेकंड बेडरूम है और सेकंड बेडरूम का साइज भी व्यूअर्स अगर आप देखें तो कॉम्पैक्ट नहीं है काफी ज्यादा अच्छी स्पेस यूटिलाइज की हुई है फ्लोरिंग अगेन वुडन टेक्सचर टाइल है और बहुत ही खूबसूरत पिंकिश सा कलर है इसके बेड का और पहले मैं आपको दिखा दूं राइट साइड पे जहाँ पे वॉर्ड्रोब को इस बेडरूम के अंदर ही रखा हुआ है और यहाँ पे ये टू सीटर रखा हुआ है आपके पास मीडिया वॉल है जिसपे नोवा पेंट का किया यूज किया हुआ है इसकी बैक साइड पे अटैच्ड वॉशरूम है जो कि काफी ज्यादा स्पेशियस है डबल वैनिटी है गोल्ड कलर की आप देखें वैनिटी नीचे स्लैब बनाई गई है कोरियान की और ऊपर एलईडी मिरर है काफी बड़े साइज का हैंगिंग का मोड पूरे घर में ग्रोही कंपनी की वॉशरूम एसेसरीज को यूज किया गया है और ये है जिसका शावर रूम जो कि काफी ज्यादा स्पेशियस है और ये सामने आप देखेंगे तो ग्लोसी टाइल्स लगी हुई है अच्छा इन टाइल्स के बारे में मैं एक चीज बता दूं कि आप में से काफी लोग पूछते हैं कि भाई इन टाइलों का फायदा नहीं होता ये फेड हो जाती है पैसेज ऑफ टाइम तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मुझे दूसरे टाइलों का तो नहीं पता जो फेड हो जाती होंगी लेकिन ये जो टाइल यहाँ पे लगी हुई है ये कैले की टाइल है ये कोई आम टाइल नहीं है तो इनका कलर फेड नहीं होता है जिस तरीके से आप समझ रहे हैं और ये ओवरऑल इस बेडरूम का व्यू है और ये आप देख लें इसका बेड बहुत ही खूबसूरत काफी बड़े साइज का बेड है और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे देख लें ये डेकोरेशन भी की हुई है सो so, व्यूअर्स ये था इस घर का ग्राउंड फ्लोर का कंप्लीट प्लान मैं अब आपको लेके चलता हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ लेकिन जाते जाते अगेन इसके ये जो खूबसूरत और बहुत ही जबरदस्त एम्बियंस में डिजाइन किया हुआ टीवी लाउंज है इसका व्यू भी देख लें यह बड़ा जबरदस्त सीन किया है कि इधर कंप्लीटली पार्टीशन की हुई है ग्लास की आप कर्टन को हटाएं तो आप कंप्लीटली अपने लॉबी का व्यू देख सकते हैं और यह है जी इसके फर्स्ट फ्लोर का स्टेयर मैं अब आपको इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ लेके चलता हूं फ्लोरिंग पे कंप्लीटली ग्रेनाइट है खूबसूरत प्लांटर है इधर वॉल्स पे नोवा पेंट का यूज किया हुआ है और मैं यहां से आपको सीन दिखाता हूँ ये देखें इसकी लॉबी काफी ज्यादा स्पेशियस है और इधर से आपको इस किस्म का बहुत ही खूबसूरत व्यू एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है रेलिंग के लिए ग्लास और वुड का यूज किया हुआ है आप जैसे स्टेयर से ऊपर आएंगे बिल्कुल सामने इसका प्राइवेट टेरेस है जिसको आप लॉन्ड्री एरिया भी प्रॉपर बना सकते हैं क्योंकि सामने आप देख रहे होंगे वाटर टैप को भी लगाया गया ये देख लें और इधर लेफ्ट साइड पर वॉल पे ब्लैक ग्लास और अगेन पैनलिंग है व्यूअर सीधर से हम आगे चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर का प्लान देखते हैं हम स्टेयर से ऊपर जाते हैं तो बिल्कुल सामने आपको नजर आती है विंडोज जिसको ओपन करके आप इसके ओपन टेरेस की तरफ जाते हैं लेकिन पहले मैं आपको इसका फर्स्ट फ्लोर का मास्टर बेडरूम दिखा दूं ये देखें व्यूअर्स लाइट टोन आपने देखी थी इसके नीचे के मास्टर बेडरूम में और डार्किश टोन आप देख रहे हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के इस मास्टर बेडरूम में कलर स्कीम बड़ी खूबसूरत रखी गई है मल्टीपल कलर्स के साथ प्ले किया हुआ है जिस तरीके से अगर आप देखें ये इसका थ्री सीटर यहाँ पे पड़ा हुआ है इसका भी बहुत खूबसूरत कलर है और सेम एज इट इज ये है जी इसकी खूबसूरत बेड की डिजाइनिंग और डेकोर ये मैं आपको यहां से दिखा रहा हूं और ये सामने आपके पास स्पेस है जिधर से आप अपने ओपन टेरेस को एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कर्टन लगाए हुए हैं और एक चीज मैं आपको बता दूं इधर देख के घबरा नहीं जाना कि घर में मसले घर अभी रेडी भी सही तरीके से नहीं हुआ बेसिकली होता ये है कि ये जो विंडो है इसके साथ सिलिकॉन लगाना अभी बाकी है छोटी मोटी चीज़ें अभी बाकी हैं तो वो इन जब ये अपनी बिल्कुल फिनिशिंग में आ जाएगा तो उसकी लुक इससे भी बेहतर हो जाएगी ये वीडियो मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ ये बनाने का मकसद ये था ताकि ये अपॉरचुनिटी मैं जो अपने व्यूअर्स हैं जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो फॉलोअर्स हैं उन तक पहुंचा सकूं ताकि मेरे पास काफ़ी इस तरह के गिले आते हैं कि भाई आप हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं बताते हैं जिससे आपका हमें कोई एक्स्ट्रा फायदा हो जाए तो मैं तो वैसे भी कहता हूँ कि सर मेरा मेरी कोशिश ही ये होती है कि मैं जितना ज़्यादा आपके लिए अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकूँ ताकि आप को मेंटली सेटिस्फेक्शन अचीव हो मेरी तरफ से वो मेरी कोशिश होती है लेकिन ये घर आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप तक ये अपॉर्चुनिटी पहुँच जाए लेना नहीं लेना वो तो डिसीजन आपका है वो तो जाहिर है आपके ऊपर डिपेंड करता है लेकिन मेरा काम है आप तक चीज़ों को पहुँचा देना और व्यूअर्स ये सीन देख रहे हैं आप इसके फर्स्ट फ्लोर के लाउंज का सीन है बहुत कमाल का सीन है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका सिटिंग एरिया है अगेन मैं एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसका जो कलर के साथ प्ले किया गया है ना इस घर में वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है सीलिंग पे अगेन ये मिनी शैंडिलियर उस तरह का हैंग कर रहा है जिस तरह का शैंडिलयर बड़े साइज का आपने यहाँ पे देखा है ये बड़ा ज़बरदस्त सीन है फर्स्ट फ्लोर का लाउंज है और सफिशियंट यहाँ पे सिटिंग की स्पेस है आपके पास और साथ में इसके जो जबरदस्त सीन है जो कि चार चार लगाता है इस स्पेस को वो है यहां पे मौजूद इसका फर्स्ट फ्लोर का क्लोज किचन विद प्रॉपर फिक्सिंग थ्री स्टॉफ बर्नर किचन हुड काफी ज्यादा स्पेशियस की स्पेशियस आपके पास कैबिनेटरी स्पेस और ये वॉश बेसन इधर से वेंटिलेशन के लिए आप इस जगह को यूज कर सकते हैं इसके बैक साइड पर टेरेस है और यहां से एक और पर्पज भी है इधर से भी टेरेस की एक्सेस देने का मकसद यह था कि कई स्मोकर हजरात होते हैं वो चाहते हैं कि ऊपर की जगह पे अगर वो बैठें वो ओपन टेरेस जो कि ये सामने मौजूद है यहाँ नहीं जाना चाहते तो वो भी इस जगह को यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि घर का जो माहौल है वो भी सिगरेट के धुएं से ख़राब ना हो ये रीज़न थी सो व्यूअर्स आगे चलते हैं और अगेन वॉल पर आप देखेंगे यहाँ पे नोवा पेंट है और ये बड़ी खूबसूरत एबस्ट्रेक्ट पेंटिंग यहाँ पे लगाई हुई है और ये सामने है जी इसका स्टोर रूम ये स्टैंडर्ड साइज़ का है जिस तरह एक कनाल के घरों में होता है आपने देखा होगा वही साइज का ये इसका स्टोर रूम है और एक बेडरूम है इसके राइट साइड पे और ये है जी इसका दूसरा बेडरूम यानी फर्स्ट फ्लोर का ये सेकंड बेडरूम और पहले मैं इसका व्यू आपको दिखा दूं और इस बेडरूम का जो बेड है वो आपको एक रॉयलनेस वाली फीलिंग जरूर देगा जिस तरह आप देख रहे हैं एक शहाना किस्म का सीन होता है वो फील आपको यहाँ पे नजर आता है सीलिंग डिजाइन खूबसूरत है और ये इसका बेड है नीचे खूबसूरत रग्स हैं वार्ड्रोब की स्पेस इस बेडरूम के अंदर ही बनाई गई है और ये देखें आप जब इस वार्ड्रोब को ओपन करते हैं तो आपको आइडिया होता है कि भाई काफी ज्यादा स्पेस यहाँ पे वार्ड्रोप के लिए छोड़ी गई है और व्यूअर्स इधर से मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ ये देखें एक और कमाल का सीन मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो कि है इसके साथ मौजूद इसका प्राइवेट टेरेस और जो नॉर्मल साइज का नहीं है काफी ज्यादा स्पेशियस ये इसका टेरेस का साइज है और बड़ी जबरदस्त किस्म की बात है यानी इतना बड़ा साइज का बेडरूम भी मिल रहा है घर के बेडरूम्स भी इतने बड़े साइज के हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर का ड्राइंग भी टीवी लाउंज भी और ये बेडरूम्स भी और सिर्फ बेडरूम्स ही नहीं जो वॉशरूम की स्पेस है वो भी बहुत ही खूबसूरती से निकाली गई है और इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ ये आप चेक करें अब यहाँ ये जो सामने आप प्लेस देख रहे हैं यहाँ पे अभी जकूजी लगनी है जिसना मैंने आपको स्टार्ट में बताया था माइनर से काम रह गए अभी ए सी सी इसमें इंस्टॉल होने हैं और जकूजी इसमें लगना बाकी है और छोटा मोटा जो उसका फिनिशिंग का काम है वो रिमेनिंग है बाकी घर बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये है इसका थर्ड फ्लोर इसका भी जो एम्बियंस है बड़ा कूजी किस्म का एम्बियंस है और जब आप इस कर्टन्स को आगे कर देते हैं और अगर आप रोप लाइट इसकी ओपन कर दें और ये जो सामने आप देख रहे हैं इसके लाइट वो ऑफ कर दें तो बड़ा कूजी इन्वायरमेंट आपको मिलता है और इसका बेड का जो कलर है वो भी बहुत ज़बरदस्त है बहुत क्यूट सी छोटी सी यहाँ पे देखेंगे ये सिटिंग चेयर आपके पास मौजूद है खूबसूरत साइड टेबल्स हैं इस बेडरूम के साथ और इधर से अगर आप देखें व्यूअर्स अगर आप टेस्ट रखते हैं कलर कॉम्बिनेशन और इंटीरियर डिजाइनिंग में तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि लेफ्ट वाली वॉल को अगर जो सामने वाला वॉल देख रहे हैं इससे कंपेयर करें और ओवरऑल जो इसका सीलिंग का डिजाइन है और वॉल ओवरऑल अगर आप इसका व्यू देखें तो आपको बड़ा खूबसूरत एक व्यू ओवरऑल मिल रहा है लेफ्ट साइड पे प्लेन वॉल है और सामने टेक्सचर वॉल है जहां पे खूबसूरत एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स हैं और ये डेकोर का आइटम यहां पे मौजूद है बेड वॉल पे ग्लास का यूज किया हुआ है और बेड वॉल की राइट साइड पे है जी अटैच्ड वॉशरूम फ्लोरिंग वुडन की वो यानी वुडन टेक्सचर टाइल्स हैं और खूबसूरत वैनिटी है बहुत ही खूबसूरत डिजाइन का इसका मिरर है और स्पेशियस इसकी ये मैं आपको दिखा दूं ये इसका शावर रूम इसका शावर रूम है और राइट साइड पे वार्ड्रोब की स्पेस है और उसी के साथ यहाँ पे आपके पास हैंगिंग का मोड मौजूद है सो so, व्यूअर्स ये था ओवरऑल इस घर का हाउस टूअर जो कि आप देख चुके हैं डी एच ए फेस सेवन लाहौर में ये लोकेटेड है दस करोड़ पचास लाख रुपए इस घर की डिमांड है और इसका काफ़ी बड़े साइज का टेरेस भी देख लें ये भी है बैक साइड पे बेसमेंट में दो सर्वेंट क्वार्टर्स हैं फुल फर्निश्ड घर ये घर मैं आपको ऑफर कर रहा हूं और इस घर के विजिट के लिए मजीद इंफॉर्मेशन के लिए और अगर किसी किस्म का को कोई सवाल है उसके लिए आप मुझसे रबता कर सकते हैं अगेन मैं ये बात रिपीट करूंगा मकसद घर लेके देना है एक अच्छी प्राइस पे और मकसद ये नहीं है मेरा कि सिर्फ वीडियोस बनाऊं और आप तक पहुंचाऊं जिन लोगों के साथ मैं काम कर चुका हूँ उन लोगों से ही पूछ के आपको आइडिया हो सकता है कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ और क्या उनको फ़ायदा हासिल होता है जब मेरे थ्रू उन्होंने ट्रांजेक्शन्स की हैं अलहमदल्ला मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं स्मूथ ट्रांजेक्शन पर बिलीव करता हूँ ताकि किसी किस्म की हैसल आपको ना करनी पड़े और जितनी फाइड आपके लिए हो वो मैं ही करूँ सोवियस इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और दुआओं में याद रखिएगा अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा फी अल्लाह